हेलो सो यू गाइस नो के काफी टाइम पहले मैंने लेजर हेयर थेरेपी करवाई थी, लेजर हेयर ट्रीटमेंट. व्हाई डू आई कीप कॉलिंग इट लेजर हेयर थेरेपी? खैर, मैंने काफी टाइम पहले हेयर लेजर ट्रीटमेंट करवाया था. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, दैट वाज माय फर्स्ट सेशन एवर. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक इट आउट. एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये सब होता क्या है, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, तो उस पे एक और प्रॉपर वीडियो है विच इज ऑल्सो मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. Now let's get to the updates of this session. I know you guys aren't used to watching me in white, but I wanted a change of color finally. All right, so for a very quick rewind, Ramzan se thode time pehle main gayi thi apna laser session karwane, and that was my first ever session, proper wala first ever session. So I got that done. अब मैं बताती हूँ कि उसके सारे सिचुएशन में हुआ क्या. सबसे पहले तो यू गाइज सॉ दैट क्लिप जब मैं घर वापस आई थी. माई आर्म्स वर सोलन क्योंकि नेक्स्ट लेवल कोई बुरा हाल हो चुका हुआ था बिकॉज ऑफ द ड्राई शेविंग. माई स्किन इज जनरली वेरी 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 सेंसिटिव. तो ड्राई शेविंग की वजह से दिस यूजली हैपन्स टू माई स्किन, विच इज माई गर्ल्स नेवर ड्राई शेव प्लीज. खैर, दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे एक दवाई प्रिस्क्राइब करके दे दी थी, एन एंटी एलर्जी फॉर 3 days, एंड आई वॉज नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ टेकिंग द मेड्स. सो आई एम गुड विद दैट. अब जस्ट लाइक यू, मुझे भी नहीं पता था कि इससे एक्सपेक्ट क्या करना है, मतलब होगा क्या आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट डन. लेजर्स तो चल गए लेकिन अब होना क्या है. सो वॉट रियली हैपन्ड वॉज के मेरे बाल फिर से आए. And I suddenly got shocked के यार ये क्या हुआ. ये तो वही सीन हो गया कि जिस तरह when I shave my arms तो 2-3 दिन बाद the hair come back. तो मैंने जल्दी से call की and I told them कि you know the hair is here all over again. ये तो गए नहीं है. तो फिर उन्होंने मुझे बताया, usually होता है ये कि जब आप अपना laser session करवाते हो तो सबसे पहले shave होता है, ठीक है. तो shave करने के फौरन बाद ही the hair will come back like normal. And that was a shocker for me. So if you're new to this, this might be a shocker for you as well. Lekin that's just what happens. I was talking on the call. The aesthetician told me something that sounded so unrealistic. Matlab, this is something very new, theek hai? To bahut sari cheeze unrealistic si sound karne lag jaati hai. So that sounded instantly unrealistic. Unhone mujhe kaha ke 1-1.5 to 2 weeks ke andar your hair will start shedding off. Khud hi khud girna shuru ho jayenge. And I was just confused. I was like, यार मुझे तो नहीं लगता कि गिरेंगे. I mean, look at the thickness of my arms. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अच्छा, so the days were going on and on. Eventually मेरे दिमाग से ये बात निकल भी गई. I didn't even think about it. रमजान शुरू हो गया, सारे रमजान ब्लॉग्स शुरू हो गए. I was so busy कि मेरे पास टाइम ही नहीं था टू थिंक ऑफ एनी थिंग और डू एनी थिंग एट ऑल. देन वन डे सडनली, अब देखो ये भी होता है कि वेन एवर वी चेक आर हेयर ग्रोथ और समथिंग हम अपने आर्म को देखते हैं. एंड माई आर्म, I'll tell you कि कौन कौन सी जगहों पे I got laser done और फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा success rate था. So you also know that. So my arms were the least successful of all of the places. तो जो मेरे arms थे they looked hairy. तो जो मेरे arms थे they obviously looked visibly hairy. तो मैंने कहा यार नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे पता है. सो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हैड गॉटन लेजर डन और उसने मुझे ये चीज समझा दी थी कि देखो पहले सेशन के अंदर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम फर्क देखोगी दूसरे और तीसरे सेशन से. तो डिसहार्ट मत होना, डिमोटिवेट मत होना, जस्ट कीप गेटिंग इट डन एंड इवेंचुअली यू विल सी द डिफरेंस दैट इट मेक्स. तो मुझे ऑलरेडी माइंड में वो बात थी, सो आई वॉज प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड. अच्छा, नॉट जस्ट दैट, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे बाल इतने हल्के हो जाएंगे कि तुम उनको यूं पकड़ोगी और ऐसे पुल करोगी सो दे विल कम आउट. और उसके बाद मैं लगी हुई थी. मैंने कहा नो इट इज नॉट कमिंग आउट, कुछ नहीं निकल रहा. द लेग्स वर ऑब्वियसली वे टू डाउन. मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे. सो दिस इज व्हाट आई वर्कड ऑन द आर्म एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं हो रहा, ठीक है. मे बी दिस इज अ वेरी 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 अनसक्सेसफुल फर्स्ट टाइम. अब मुझे नहीं पता कि ये थोड़ा सा TMI हो जाएगा या नहीं, बट हे वी आर ऑल गर्ल्स हियर सो वी कैन डू दिस गर्ल टॉक. सही है. तो अब सीन क्या हुआ, दैट सडनली व्हाइल आई वाज चेंजिंग माई क्लोथ्स एंड आई नोटिस्ड दैट माई अंडर आर्म वॉज आधा गंजा. And I mean, there's no better way to put this, okay? And I'm just like, what just happened? Because that is one of the biggest problem areas for most people, even for me. ठीक है, मतलब सही है. Nobody likes it, and neither do I. तो एकदम से I was shocked. मैंने कहा ये हुआ क्या है? What just happened? And then when I tugged onto different areas, जब मैंने बाल कोई इस तरह से निकालने कोशिश की, it literally came out like this. And I was shocked. मैंने फॉरन से जाके गूगल करना शुरू किया, what is the fastest way of, you know,
शेडिंग ऑल ऑफ द हेयर आफ्टर लेजर हेयर रिमूवल आया एक्सफोलिएट करो. मैंने कहा मैं जा रही हूँ नहाने, मैं करेगी सारी एक्सफोलिएशन. आई वेंट एंड आई एक्सफोलिएटेड और उसके बाद सडनली आई मीन देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस. ह्यूज बाय द वे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर भी शूट किया हुआ है. बिफोर ही है वैसे, आफ्टर तो अभी नहीं आएगा, लेकिन एक फर्स्ट सेशन के बाद का जो रिजल्ट था आई ऑल्सो शॉट दैट फॉर यू गाइज. आई नो देर इज सम बॉडी हेयर बट लेट्स नॉट बी अनकम्फर्टेबल बिकॉज देर एज नॉर्मल एज एनी थिंग. ओके एवरीबॉडी हैज देम, एवरीबॉडी, सो लेट्स बी नॉर्मल अबाउट इट. सो दिस इज व्हाट द आर्म्स लुक लाइक. बहुत सारे इस तरह के पैचेस हैं इस पे दैट आई नो हैव नो हेयर एट ऑल. But this is the most hairy area on the entire body. But I am pretty impressed to see कि इसमें भी कितना फ़र्क है. Although I was kind of sad कि the hair did not disappear from the fingers area or the hand area so much. So I guess I'm not going to be asking for Gentle Max for my arms anymore. Because on my legs, this is the only patch that has hair on it. Literally, the only patch. And there is no hair anywhere else. This is strawberry skin, by the way. But this is it. So you can imagine ke Soprano ka effect jo meri skin pe tha, it was way better than anything at all. So that was the progress on my hair. Ab obviously kyunki last time thodi si next level dry shaving ho gayi thi, which irritated my skin. I razored my arms at home right now. Yes, I'm going for my second session right now. Abhi bas nikal ke jaane lagi hu. तो मैंने सोचा कि अभी इज द बेस्ट टाइम टू मेक दिस अपडेट वीडियो. नाउ आई टेल यू गाइज कि मैंने जो ये लेजर करवाया था वो मैंने कहाँ कहाँ कराया था. सो आई गॉट इट ऑन माई फुल आर्म्स, आई गॉट इट ऑन हाफ माई लेग्स, आई एम प्लानिंग ऑन गेटिंग इट ऑन माई फुल लेग्स टूडे. देन आई गॉट माई अपर लिप्स, आई गॉट माई चिन एंड आई गॉट माई अंडर आर्म्स एंड अंडर लेग्स एरिया डन एज वेल. अब मैं बताती हूँ परसेंटेज में कि जो एक मेरी नॉर्मल ग्रोथ थी ऑफ इन एवरी मंथ ग्रोथ या एक जो फुल ग्रोथ होती है आपकी, तो उसमें मुझे कितने परसेंट फर्क पड़ा इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एरियाज एंड द रिजल्ट्स आर शॉकिंग. सो प्लीज कीप वॉचिंग फॉर दैट. ओके सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फेशियल हेयर. मैंने अपना फेस नहीं लेजर करवाया बिकॉज आई वाज लिटिल स्केयर्ड कि यार कोई रिएक्शन ना हो जाए या हाउ डज दिस फील. एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना था बिफोर गेटिंग इट डन. सो नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग माई फेस डन आइदर इवन दो इट्स सुपर सेंसिटिव, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ी सी डरी हुई थी. खैर सो फॉर द अपर लिप्स आई टेल यू. सो मेरी अपर लिप्स पे जो मेरी ग्रोथ है दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट ग्रोथ आई हैव बट इट्स डेफिनेटली अलॉट. इट्स इनफ कि मैं हर हफ्ते थ्रेड पकड़ के या तो थ्रेड करी होती हूँ या मैं टिंकल रेजर करी होती हूँ समथिंग और दी अदर या मैं ट्वीज करी होती हूँ. दिस इज समथिंग. सो देन वेन आई गॉट द लेजर डन ऑब्वियसली सबसे पहले जो बाल वापस आए दे वर ऑन द अपर लिप्स एंड आई वॉज इंस्टेंटली वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज लाइक यार ये क्या है, दिस इज नॉट वॉट आई टू कॉल दैट पेन फॉर. नो यू नो फॉरन से वो माइंड में आया. तो आई आस्क्ड द एस्थेटिशियन, आई कॉल्ड हर बैक अप. आई वाज लाइक ये तो भंड हो गया, दिस इज नॉट नॉर्मल. सो शी सेड के अच्छा दो वीक्स के अंदर दे डिड नॉट शेड ऑफ, तो क्या करो कि जस्ट रेजर देम लाइक टिंकल रेजर देम. मैंने कहा ठीक है. सो आई नॉर्मली यूज टू टिंकल रेजर एज वेल. तो मैंने उनको जल्दी से टिंकल रेजर कर दिया. नाउ दिस टाइम दे केम बैक आफ्टर रियली लॉन्ग, मतलब एकदम से वापस नहीं आ गए. एंड नाउ दिस टाइम व्हेन दे केम बैक they were super patle. Now usually when they used to come back they used to be like thick, like in your face thick, but this time they were really thin. Quantity utni thi, I will not say ki quantity kam hui thi, quantity was the same, but the hair had gotten really really fine. I mean I'll just show you a clip right now. Now coming to the chin area. Now considering it's lockdown, maine apni shakal dekhi bhi nahi hai kafi time se. Because I don't really care, because कहीं जाना तो होता नहीं है. Not like somebody will be looking at my chin. Well, I do remember that there are like these 3-4 hair that come all the time इधर and they are not here anymore. उसके अलावा एक है फिलहाल. That's the progress on the chin. Now moving on to the underarm area. The underarm area was the most shocking. And honestly, अगर बताऊँ ना दिल से, really the only difference I wanted was in my upper lips and my underarm. I mean these two were the only places that I actually really 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 cared about. So when I saw a 50% decrease in the hair growth, 50% damn, that is not less. I mean it's that much of space, and if you only have some here and a few here, you're fine with it. You're like what? I was shocked. I'm not kidding. क्योंकि हम सबको पता है कि underarms की जो skin होती है that is usually a little
रेजर बम्पी या इनग्रोन हेयरी या थोड़ी सी डिसकलर्ड, डू इट फील्स लाइक दिस. दैट्स नॉट वट अंडर आर्म्स कैन फील्स लाइक, एटलीस्ट नॉट फॉर मी. आई एम नॉट यूज टू दैट, बट दिस इज वट इट फील्स लाइक एंड दिस इज शॉकिंग फॉर मी. लाइक लेट्स मूव ऑन टू द आर्म्स. अब जैसे कि मैंने बताया था, माई आर्म्स वर द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग, एटलीस्ट दे लुक्ड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टू मी, बिकॉज उनके ऊपर कुछ पैचेस थे एवरी हेयर एंड देयर वेयर देयर वॉज नो हेयर एट ऑल. अच्छा हाँ, सो द मेन थिंग इज कि जहां पे बाल नहीं थे वहां पे लिटरली देयर वॉज नो हेयर व्हाटसोएवर. ठीक है, सो देयर वर अ फ्यू बॉल्ड पैचेस ऑन माई स्किन, जब मुझे पता था कि यहाँ पे जैप हुआ है, यहाँ पे जैप हुआ है, यहाँ पे जैप हुआ है, इसकी वजह से द जैप हैज वर्कड हेयर एंड हेयर, पर बहुत सारी जगहों पर द जैप्स हैव नॉट वर्कड. सही है, सो द आर्म्स वर आई कैन से, सच बताऊं तो इट वॉज 20%, यानी आई कैन से 20% हेयर ग्रोथ कम थी इस बार फ्रॉम माई नॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन माई आर्म्स. Yes, my arms are pretty hairy. They are pretty hairy. The bad part is that my knuckle area is also very, very hairy. And then you guys ask, unboxing kyun nahi kar rahe? That's because I have hairy arms and I don't want to show them. And I don't have the himmat to go and shave them. Understand me. Just to keep it a little filtered, the results down there were also just the same as they were on the underarms. Thoda sa fark tha. Like if the underarms were 50% wala ek... तो उसमें यू कैन से 40% वाला था, बट 40% इज अ लॉट व्हेन यू थिंक अबाउट, सो यू अंडरस्टैंड दैट राइट. नाउ आई एम गोना कम टू द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज व्हिच वाज ऑन माय लेग्स, द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज व्हिच आई विल से इज लिटरली 90% इन द फर्स्ट सेशन. 90 माय लेग्स. वैसे भी माय लेग्स आर नॉट हेयरी, मतलब मेरी जो लेग्स हैं आई कैन गो विदाउट शेव, आई कैन गो विदाउट शेविंग देम एट ऑल रियली. ऐसा नहीं है कि आई नीड टू शेव देम, क्योंकि वो नजर भी नहीं आते, बिकॉज देयर नॉट सम थिक वेरी जॉइंट हेयर. आई डू हैव स्ट्रॉबेरी स्किन दो, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन इट बाय नाउ, लेकिन इट्स ओके. सो द थिंग इज दैट द हेयर ऑन माय लेग्स आर नॉट दैट थिक, बट देयर लॉन्ग, सो दे शो. सही है, सो आई वॉज सडनली सरप्राइज्ड टू सी के 90% का डिफरेंस. मतलब माई होल लेग देर इज ओनली अ पैच दिस मच, जो बिल्कुल लेग की बोन होती है, दोनों टांगों पर इतना इतना पैच है, दैट इज ग्रोइंग द हेयर बैक एंड दैट इज एक्सट्रीमली शॉकिंग. सो मैंने टांगों पर करवाया था सुप्रानो आइस, दैट्स द ओनली प्लेस वेर आई गॉट सुप्रानो आइस डन, एंड द अदर प्लेसेज आई गॉट जेंटल मैक्स डन. सो नाउ टूडे आई एम गोइंग टू गेट Soprano eyes done on my arms as well, because I was not very happy with the result of my arms. Considering ki agar waisa hi result mere legs pe aa sakta hai, so it can be on my arms as well. That's what I am thinking of. Obviously, they're the aestheticians, they know better, but this is my opinion. Aaj ka ye plan hai that every area waist down will be treated by Soprano eyes, because I loved the results and I want to get those areas treated by Soprano eyes. And my arms as well, but I think I'm going to stick to Gentle Max for the underarms and the facial area, because fark in areas pe bahut amazing tha Gentle Max ka. All right, so that's all of the information that I had to update you guys on. Ab main bilkul nikalne lagi hu to go to Dr. Nakhuda Skin Institute. If you guys are wondering about the prices and all of those details, तो नीचे उनका मैंने इंस्टाग्राम भी लिंक कर दिया, उनमें उनका नंबर भी है, सो यू कैन जस्ट कॉल देम अप, आस्क देम फॉर ऑल ऑफ द डिटेल्स एंड डू लेट देम नो दैट आई रेकमेंडेड यू. सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो. सो आई एम इन द कार नाउ ऑन माय वे टू डॉक्टर नाखुदा स्किन इंस्टीट्यूट एंड इट्स वेरी हॉट इन कराची. आजकल पता नहीं इतनी ज्यादा गर्मी कैसे हो गई है, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड इट. एंड लुक एट दिस मास्क, आई यूजली वेयर द ब्लैक मास्क, बट Because I'm wearing white today, तो उसके साथ I even changed the scarf and I changed the mask blue. चलो now I'm here. अब बाकी details मैं दूंगी after the sessions are done, या अगर बीच बीच में भी I could put in some updates, I will let you guys know, okay? So now I'm going to start my Soprano eyes with Sadaf right here, and we are getting ready for the treatment. By the way, did you see कितना अच्छा रिजल्ट था ऑन द लेग्स, है ना? इट वॉज रियली नाइस. इसलिए मैंने कहा था कि इस दफा मैं फुल लेग्स आपसे करवाऊंगी और साथ में आर्म्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट रिजल्ट ऑन द आर्म्स एज वेल. बाई द वे दिस टाइम आई ऑल्सो गॉट माई अंडर आर्म्स डन फ्रॉम सुप्रानो,
So let's see how that goes. And yes, this is how I have been all this while. Now I'm going to go ahead with the upper lips and the other areas that are left. And now we are with Dr. Amreen again. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. How are you? I'm good. How are you? I really like the results. Okay, I'm glad. I'm looking forward to more. That's good. And yeah. Inshallah, I'll be the second sitting here. You will see a lot difference in next sitting. Inshallah. In few sitting, you will be more than happy. So, ab hum start karte hain. Yay, let's go ahead. This is the situation of the face. Aap idhar aake dekh le. That's what it looks like. Not bad. Not bad. Ye chin pe bhi. Chin pe to ja rahi hai. Just few hair, I think. Yeah. This is rather nice. Don't need a lot. You have very fine hair. वैसे अब मैंने इस बार अपना ये सब भी नहीं किया, so do you think I need? No, not yet. ना? Okay, thanks. I think इसको अगर थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें ताकि रैश ना हो. We don't need to. इसके साथ नहीं हम लगाते कुछ भी. Okay. तो फिर थोड़ा सा ना आराम से. आराम से. Don't worry. यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे दबा रखूँगी. I have another video to shoot ना, तो फिर एकदम से लाल तो हो जाए. That's fine. 2 बजे है, 2 बजे के बाद तब तक तो ठीक हो जाएगा, वरना मेकअप कर लूंगी. In a very low intensity, you know, no results, so bhi koi fayda nahi hai na ki lal na ho to results to dene hai na. Now I'm gonna start. Kar do? Okay, you're filming it? Okay, put your tongue over here. You have to tell me if you feel any kind of a pain, you know. Why can't I get used to this? Sure. Is that it? Yeah. Is that it? I want to say kabal hai kya, but I can clean the mic for you. Tab tak mere ko bother na kare. Thank you. Alright, so today I'm successfully done with the second session. And as they said ke sabse zyada results second session ke baad pata chalte hain. I'm really excited to see what happens now. Now it's starting to get really exciting. So now I'm finally going back home. Aur aaj meri ek aur bhi video hai which I will probably be uploading pretty soon for you guys. It's with another YouTuber. So yeah, I'm going to be shooting for that today. थोड़ी सी अभी मैं थक गई हूँ बिकॉज आई वोक अप टू अर्ली. आई वोक अप एट 8 AM. पता नहीं किस बात की इतनी एक्टिव होने की ज़रूरत है, बस आई जस्ट गॉट वे टू एक्टिव एंड आई वोक अप एंड नाउ आई फील अ लिटिल स्लीपी. आई एम फाइनली हियर फॉर द वीडियो कॉल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और अब मैं जाने लगी हूँ. इट्स हॉट बट स्टिल विंडी. यू कैन सी हाउ विंडी इट इज़ राइट नाउ, राइट? सो आई फाइनली जस्ट गॉट होम फिल्मिंग दैट कोलैब. उसकी भी मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगी. Ouch. And today is when the entire lockdown situation properly starts for me, because abhi tak I was lined up with a lot of work and now I literally have nothing to do, like literally nothing, just like all of you. So thoda sa sukoon bhi aaya dil mein, because I'm just like, okay, fine, now I get to spend some time with myself. Lekin it's a really sad feeling also, because end this already, like, you know, please end it. So now finally that I have some time off with myself, मैंने सोचा यार थोड़ा सा बैठ के स्किन केयर करते हैं, बिकॉज आई हैव ऑनेस्टली नॉट बिन एबल टू डन माई स्किन टू डू माई स्किन केयर वॉट डन माई स्किन केयर वॉट इज माई इंग्लिश आई हैव नॉट बिन एबल टू डू माई स्किन केयर इन रियली लॉन्ग. प्लस माई ऑर्डिनरी हाइलोरोनिक एसिड हैज नाउ एंडेड, तो जितना भी बचा है लेट्स जस्ट पुट इट ऑन आवर फेस, बिकॉज ओ माई गॉड द स्किन नीड्स इट. आई मीन it's gone through some real bad stuff during Eid and all that time of the month stuff. Look at what happens.
दिस हैपेंस टू मी टू, सो यू आर नॉट द ओनली वन. प्लस मुझे थोड़ी सी डिटेल्स बतानी थी आप लोगों को रिगार्डिंग द सेकेंड लेजर सेशन दैट आई गॉट टूडे. नाउ सम डिटेल्स रिगार्डिंग टूडेज लेजर सेशन. आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग द ऑर्डिनरी नायासिनमाइड नाउ. अच्छा, सो दिस टाइम आई ट्राइड सुप्रानो आइस ऑन मोस्ट ऑफ माई बॉडी, लाइक माई आर्म्स, माई लेग्स एंड माई अंडर आर्म्स. द रेस्ट लाइक माई फेस एंड एवरीवेयर आई गॉट दैट डन बाय जेंटल मैक्स. नॉट माई फेस रियली, जस्ट माई चिन एंड माई अपर लिप एरिया. उसका तो खैर मैंने डाल दिया था क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑलवेज सो स्केयर्ड. इट्स जस्ट समथिंग कि आपको पता है ना कि बस वो अभी टक आने वाला है तो आप बस डरे हुए ही होते हो. सो देयर इज दैट, बट इट डजंट हर्ट दैट बैड. लाइक जितना वो लग रहा होता है ना कि इट हर्ट्स, इट डजंट हर्ट दैट बैड, एटलीस्ट फॉर नाउ. लेकिन सुप्रानो आइस इज स्टिल द मोस्ट पेनलेस वे ऑफ गेटिंग लेजर डन इन माई ओपिनियन, बिकॉज वो एक ठंडा ठंडा सा जेल लगाते हैं पहले, सूदिंग सा, जो लिटरली ठंडा फील होता है. इट्स अ वाटर जेल एंड देन दे जस्ट कीप प्योरिफाइंग दैट मशीन ऑन योर स्किन एंड इट डजेंट फील लाइक एनी थिंग इज हैपनिंग. बस थोड़ा सा गर्म फील होता है, फिर एकदम से ना कभी कभी बोन वाली जगह पे एक झटका फील होता है, लाइक एकदम से अगर बोन को सीधा टच कर देना से ये बोनी जगह है और समथिंग लाइक दैट, तो उधर एकदम एक झटका टाइप फील होता है. एंड आई स्टिल फील लाइक इट स्टेज, लाइक थोड़ी देर के लिए इट स्टेज. जैसे आज सुबह ही करा है मैंने, बट आई कैन फील दैट झटके वाली सेंसेशन इन माई फिंगर अभी तक. सो देयर इज दैट, बट होपफुली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन. क्योंकि पिछली बार भी जब ये हुआ था तो मुझे मेरी टांगों में फील हुआ था, लाइक ऑन द मेन लेग एरिया आई कुड फील इट, बट देन इट इवेंचुअली वेंट डाउन द नेक्स्ट डे. सो आई गेस दैट्स नथिंग टू रियली वरी अबाउट. अब इसके रिजल्ट जो हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू सी देम, बिकॉज एवरीबडी टोल्ड मी दैट द मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट विल कम आफ्टर द सेकेंड थर्ड फोर्थ सेशन. फर्स्ट सेशन पे देयर इज नथिंग टू रियली एक्सपेक्ट. So let's see how that goes. And just by the way, oh my god, I know that most of you are really bored out there using the Egyptian magic healing cream and you guys want something to watch. So let me tell you a movie that I saw. Yaar, kya thriller thi. It blew my mind. Aur agar aap end mein na credits pe us movie ko rok nahi do na, it's going to blow your mind even more. It's called Call. Netflix pe hai and it's called Call. It's a Korean movie, लेकिन उसकी English dubbing भी है and it doesn't even feel like कि वो Korean है. It feels like English ही है because you can understand it perfectly. Mind blown, like that. You have to watch it. So now as you can see, my skin is all nice and hydrated. It is glowy as well. By the way, niacinamide का result होता है. I'm not even kidding. Keep using it and you'll see how amazing it is for oily, acne-prone skin or combination skin types. So it's finally time to jump into bed and start Netflixing and just relaxing, because I remember the last time I said Netflix and chill and everyone was like, do you know what that means? There's no other way to put it, okay? And I'm going to try and find some really fun Netflix ki cheezein to watch. If you guys have some suggestions, do let me know. I would love to watch them really. But I guess that's what I'm going to do now. So I'm going to catch you guys in my next video. Bye.